अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एंड द ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत होगे, ठीक होगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा मास्टर केज तैयार हो गया था। तो मैंने कल एक वीडियो लगाई थी जिसमें हमने बताया था कि हमारा मास्टर केज का साइज़ क्या है और इसकी लंबाई चौड़ाई और बाकी जो सी है ऊँचाई वो क्या है। तो एक हमारे प्यारे भाई ने कमेंट किया था कि आपका जो सा मास्टर केज है वो कितने एस्टिमेट में तैयार हुआ है, कितने पैसे लगे हैं इस पिंजरे को तैयार करने में। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारा जो सा मास्टर केज है उसको तैयार करने में कितना पूरा खर्चा आया और क्या क्या चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं। तो ये हमारा जो सा मास्टर केज है, ये जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी, 6x12 का इसका साइज़ है, 12 फुट इसकी लंबाई है और 6 फुट इसकी चौड़ाई है, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा। तो मेन गेट ये वाला है, ये जो से पाइप है हमारे, जो से हम ये लोहे वाले पाइप लेके आए थे, ये तकरीबन 12 लेंथ है हम लेके आए थे। हम पहले सोच रहे थे कि हमारी एक या दो लेंथें शायद बच जाएंगी, लेकिन वो पाइप की लेंथें थोड़ी पार गई थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये वाला जो से ब्लैक पाइप है, ये न्यू पाइप है, और ये जो से ये पुराने पाइप थे। तो हमारे जो सी लेंथ थी वो कम पड़ गई थी, क्योंकि हमने दो पार्टीशन करनी थी ना, इस वजह से। बाकी तो पूरा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका था, लेकिन जब दो पार्टीशन करनी थी उस वक्त हमारे पाइप थोड़े पड़ गए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दरवाजे में भी काफ़ी ज़्यादा पाइप लगे थे, ये देखें। तो ये हमारा जो सा दरवाजे वाला पाइप है, ये भी यूज़ पाइप था, नया पाइप हमें नहीं मिला था, तो ख़त्म हो गए थे हमारे पाइप। ये यूज़ पाइप हमने इस्तेमाल दोबारा किए थे, ये किसी दुकान से हम ले कर आए थे। तो उसके बाद अब आपको हम बताते हैं, हमारे जो से पाइप थे वो तकरीबन 12 लेंथ थी। तो ये दोस्तों, हमारे जो से पाइप थे वो तकरीबन 10,000 रुपये के हमारे खाली पाइप आए थे। उसके बाद हम लेके आए थे फ़ाइबर, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर जितनी भी फ़ाइबर लगी हुई है, ये जितनी भी फ़ाइबर है, ये जो सी फाइबर है, और इसके अलावा जो सी बची है फ़ाइबर, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बताता हूँ। 7 फुट इसकी चौड़ाई थी और 13 फुट इसकी लंबाई थी। तो इसकी जो सी कुल चौड़ाई और लंबाई आई थी हमारी 10,000 रुपये की। पाइप भी हमारे 10,000 के आए थे और फ़ाइबर भी हमारी 10,000 रुपये की आई थी। हमने तो पहले सोचा था कि हमारे जो सी ये फ़ाइबर है ये पीछे भी आ जाएगी, लेकिन पीछे पूरी नहीं आ सकी थी, तो इसलिए हमने पीछे ये शील्ड लगा दी। और तो उसके बाद हम जाली लेके आए थे बाज़ार से। जाली आप देख सकते हैं, ये कट वाली जाली है, बर्फ़ी जाली इसे के बोलते हैं, बर्फ़ी जाली से बोलते हैं, ये अच्छी वाली ये जाली थी। तो ये इसकी जो सी जाली थी, उसका जो सा टोटल ख़र्चा था वो 3370 रुपये था, 3370 रुपये की ये जाली आई थी। और उसके बाद फिर हम लेके आए थे ये पट्टियाँ, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये देखें, ये पट्टियाँ जो जिसने हमारे जो से पाइप और जाली को दरमियान से पकड़ा हुआ है, ये पट्टियों ने, तो ये पट्टियाँ हमारी आई थी, इनका टोटल खर्चा आया था। तमाम जहाँ पर भी ये पट्टियाँ लगी हुई हैं उनका टोटल जो सा खर्चा था, 7 किलो पट्टी थी, तो इसका टोटल खर्चा आ जाता है 7 किलो पट्टी, तकरीबन 1950 की ये पट्टियाँ आई थी। और उसके बाद ये जो सी हमारी शील्ड लगी हुई है, हमारे घर पहले से मौजूद थी, तो हमने ये शील्ड लगा दी थी। तो दोस्तों, उसके बाद हम लेके आए थे ये कुंडियाँ जो सी ये दरवाजे पर लगी हुई हैं, ये कुंडियाँ लेके आए थे, और ये कब्ज़े लेके आए थे, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये कब्ज़े भी लगे हुए हैं, दो, एक कब्ज़ा ऊपर, एक कब्ज़ा नीचे, दो कुंडियाँ, एक कुंडी इसके लगी है और एक कुंडी वो बाहर लगी हुई है, दो कुंडियाँ और 4 कब्ज़े लेके आए थे। तो इसका भी तकरीबन खर्चा आ गया था, और ये पेच भी लेके आए थे, जो से हमारे फाइबर को पेच लगे हुए हैं, वो पीछे शीट पेच लगे हुए हैं, वो पेच भी लेके आए थे। तो ये कुंडियों और पेच का जो सा खर्चा था वो आ गया था हमारा 780 रुपये। तो इसके अलावा, तो दोस्तों इसके बाद आ जाती है केज बनाने वाले की मज़दूरी। तो केज बनाने वाला जो सा मज़दूरी ले लेता है एक पिंजरा बनाने की, वो तकरीबन ये आप देख सकते हैं हमारा जो सा पिंजरा है, इसकी मज़दूरी हमने दी थी 3500 रुपया, तकरीबन 3000 से 5000 के दरमियान मज़दूरी भी इसकी आ जाती है। तो इसका टोटल खर्चा जो सा है वो हमारा हुआ है 30,000 रुपया, ये आप देख सकते हैं, हमारा काफ़ी बड़ा केज भी बन गया है और 30,000 इसका टोटल खर्चा आया, ये देखें। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल बी ए बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये हमारे एक बहुत ही प्यारे करीबी दोस्त थे जिन्होंने हमें कमेंट करके बताया था कि आप अपने केज के हवाले से अपना बताएं कि आपने कितने तक का केज तैयार किया, तो हम भी तैयार करना चाहते हैं, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई थी। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।